हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जरूरी टॉपिक है VFS की अपडेट्स को लेकर, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप खुद भी VFS की जो अपडेट्स हैं खुद कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री, आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी कंट्री में जाना है वहाँ पे, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ से क्या क्या ओपन हुआ है, क्या ओपन नहीं हुआ है, क्या एडवाइजरी है, सब कुछ आप खुद चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा मैं बात करने वाली हूँ आपसे कुछ मेन शेंजन कंट्रीज़ की, कि जो जहाँ पे जो भी सर्विसेज ओपन हुई हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कि वो मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या ओपन हुआ है, क्या ओपन नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड के बारे में। तो इन कंट्रीज़ में क्या सर्विसेज ओपन हुई हैं, क्या सर्विसेज ओपन नहीं हुई हैं, इन कंट्रीज़ के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और कहीं एक भी अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं चेक करते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो शुरू करें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुद भी चेक करना चाहते हैं कि VFS की जो अपडेट्स हैं वो कैसे चेक करें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये वेबसाइट है, आप इस पे जा सकते हैं, और जिसमें आप कौन सी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में हम रहते हैं तो यहाँ हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप नेपाल, बांग्लादेश या कोई भी नेबर कंट्री या पाकिस्तान या कहीं भी रहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज कर सकते हैं इस जगह पे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि इटली के लिए मान लो वीजा चेक करना है, तो आप इटली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि द वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स आर पार्शियली फंक्शनल, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। तो आपको क्लिक हियर करना है, और फिर उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि 18 सितंबर को टूरिस्ट वीजा फॉर कपल्स, ठीक है, ये शुरू हो गया है। इसके बारे में डिटेल क्या न्यूज है ये हम देखेंगे। फिर 13 सितंबर को विजिटिंग ईयू नेशनल्स, तो इसके लिए भी फॉर स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। फिर नोटिस फॉर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें हैं। फिर सबमिशन एट इटली वीजा एप्लीकेशन, ये भी है। फिर यहाँ पे लोड मोर है, तो आप इसमें से विजिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, कि जो लोग भी अगर स्टडी वीजा या लॉन्ग टर्म स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं यहाँ से। इसकी लिंक जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस है, सिंपल से आप कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज वगैरह जो भी रूल्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, डिक्लेरेशन वैल्यू और ये सब चाहिए होगा आपको, तो ये है डिटेल्स। और उसके बाद है स्टूडेंट्स के लिए नोटिस, तो ये अगर आपके केस में जो भी आता है उसकी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और सबमिशन एट इटली वीजा एप्लीकेशन इन मुंबई इफेक्टिव 31st August 2020। इटली के वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है वो ओपन हो गए थे, मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो बना के, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के बीच में ये टाइमिंग्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने बताई हुई हैं, ये अपडेट्स हैं इसकी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कैसे चेक करना है, आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं। ये अपडेट थी इटली के लिए, इटली में ये सारी सर्विसेस शुरू हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखेंगे फ्रांस। फ्रांस के लिए क्या क्या ओपन हुआ है। ओके, फ्रांस की जो अपडेट आई उसमें फ्रांस वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है बेंगलोर, हैदराबाद के ओपन हो चुके हैं इंडिया में। इसके पहले ये ओपन हुए थे मुंबई के लिए स्टूडेंट कैटेगरी वीजा के लिए, और इसके पहले ये ओपन हुए थे पुणे में। पुणे में जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं उसके लिए ये ओपन हो चुके थे, और फिर चेन्नई, कोची, उन सब के लिए भी ये ओपन हो चुके थे। कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है उसके लिए मैं आपको ये लिंक दे दूंगी, ताकि आप लोग इसको चेक कर सकें, और इस तरीके से आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में डिटेल में कहाँ पे फॉल करते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी अपडेट फ्रांस के लिए। अब हम चेक करते हैं नेदरलैंड के लिए। तो नेदरलैंड में क्या क्या सर्विसेज शुरू हुई हैं मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, नेदरलैंड के लिए जो सर्विसेज ओपन हुई हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 सितंबर से नेदर के जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं मुंबई में एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10 से 2 बजे तक काम कर रहे हैं। और इसमें अटेंशन मेडिकल ट्रैवल
ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट अप्लाई और ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखी हुई है। उसके अलावा नेदरलैंड्स की जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर हैं कोलकाता में, ब्लू कार्पेट री एंट्री और LDR लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के लिए ये ओपन हो चुके हैं, जिसके लिए आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ये अपडेट है नेदरलैंड के लिए। इसके बाद हम चेक करते हैं स्विट्जरलैंड के लिए क्या क्या ओपन हुआ है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें वहां पे ओपन हुई है। इस तरीके से हमें यहाँ पे जाना है, वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स पार्शियली फंक्शन क्लिक हेयर करेंगे तो इसमें हमें मिलेगी डिटेल्स, और डिटेल्स में हमें चेक करना है न्यूज में। तो न्यूज में ये आया है क्वारंटीन अपडेट्स हैं, वीजा स्विट्जरलैंड वीजा सर्विसेज पार्शियली रिज्यूम इन कोलकाता, और कोलकाता में जो सर्विसेज हैं वो ओपन हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, स्विट्जरलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन कोची इंडिया री ओपन्स फॉर वीजा टाइप डी एप्लीकेशन ओनली। तो डी टाइप के जो एप्लीकेशन है वो कोची में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मुंबई में भी ओपन किया था डी टाइप की वीजा एप्लीकेशन 12 अगस्त से। तो ये सारी अपडेट्स इनकी हैं, और अगर आप चाहें तो आपको जो भी एप्लीकेबल है आप डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो भी मिसकंसेप्शंस होती हैं या आपको कंफ्यूजन होती है, कोई आपको बोलता है कुछ और फिर आप चेक कुछ और करते हैं फिर आप कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैसे खुद चेक करना है ताकि आप खुद भी इसमें चेक कर सके। वरना मैं तो जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको बताती रहूँगी, पर ये मैं आपको देखना खुद सिखा रही हूँ। इसके बाद हम चेक करते हैं पोलैंड के लिए। पोलैंड की जो अपडेट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, न्यूज एंड अपडेट्स इसमें लिखा हुआ है। तो क्या अपडेट्स हैं हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। ओके, इन्होंने बोला है कि 16th ऑफ सितंबर से जो हाईली स्किल्ड वर्कर है वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए और बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर पे उन्हें कॉल करना है और ये सारी डिटेल है, और ये जो चीजें हैं ये जो कॉन्टेक्ट सेंटर्स हैं ये इनको मिलेंगे मुंबई बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद वीजा एप्लीकेशन सेंटर के लिए, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके पहले इन्होंने 4 सितंबर को इन्होंने अपडेट दी थी कि पॉलिश वीजा एप्लीकेशन सेंटर बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद में एवरी फ्राइडे ऑपरेशनल रहेंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे। इसके पहले इन्होंने 11 अगस्त को मुंबई की जो करंटली ऑपरेटिंग एवरी मुंबई की जो VFS है उसके लिए अपडेट दी थी कि एवरी ट्यूसडे को ये लोग ओपन करेंगे। तो ये डिटेल्स थी, ये भी मैं लिंक आपको दे दूंगी ताकि आप चाहें तो खुद चेक कर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं जर्मनी की जो भी सर्विसेज ओपन हुई हैं उसमें 22 सितंबर को ये अपडेट आई है कि जर्मनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है ये कोलकाता में स्टार्ट हो गए हैं और ये एक्सेप्ट करेंगे 28 सितंबर से डी नेशनल वीजा कैटेगरी। ठीक है, मतलब मास्टर स्टूडेंट जो हैं जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के साथ हैं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले 21 सितंबर को न्यूज आई थी कि जर्मनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है ये चेन्नई और हैदराबाद में डी वीजा एक्सेप्ट कर रहे हैं और लिमिटेड सी वीजा एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसकी जो डिटेल अगर आपको स्टडी करनी है तो इसके लिए भी इन्होंने ये चीजें दी हुई हैं कि स्टूडेंट और क्या है ये पूरा दिया हुआ है। मैं आपको इसकी जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि यदि आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, 9th ऑफ सितंबर को इनकी अपडेट आई थी कि जो लोग भी PhD स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों को भी ट्रांजिट वीजा या सी फेरर वीजा चाहिए या ब्लू कार्ड वीजा चाहिए, ये जो भी स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए, तो ये वाली अपडेट आई थी। तो ये भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं जर्मनी की, ये जो ओपन हुई थी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। और 7th ऑफ सितंबर को ये न्यूज आई थी कि जिन लोगों को भी वीजा मिल चुके हैं पहले उन लोगों के लिए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस डी वीजा स्टैंपिंग के केसेस में शुरू हो गई थी। इसके पहले 2nd ऑफ सितंबर को न्यूज आई थी कि बेंगलोर में 2nd सितंबर से शेंगेन कैटेगरी के जो वीजा हैं ये ओपन हो चुके हैं, और इसकी जो न्यूज है वो भी इन लोगों ने इसमें दी हुई थी। तो इस टाइप की जो अपडेट्स हैं वो आ रही थी। बैंगलोर में ये शुरू हुआ था और उसके पहले मुंबई में सर्विस शुरू हुई थी, कोलकाता में भी ये सर्विस शुरू हो गई थी जिनमें ये लोग ने कोलकाता की सर्विसेज शुरू की थी, और इसके पहले इन्होंने कुछ सर्विसेज ऐसे शुरू की हैं हैदराबाद और चेन्नई में भी। तो ये सारी जो अपडेट हैं ये हैं
जर्मनी के लिए, तो जर्मनी की ये जो न्यूज है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पॉपुलर पोर्चुगल के लिए भी मुझे पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ पोर्चुगल के लिए भी क्या क्या अपडेट्स हैं। तो पोर्चुगल की जो न्यूज़ है उसमें इन्होंने जो अपडेट्स दी हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ है इसकी अपडेट्स, ये रही। ओके, इसमें इन्होंने बताया है कि 7 सितंबर से मुंबई में जो मुंबई ऑपरेट करेगा, इनकी जो सर्विसेज हैं लॉन्ग टर्म नेशनल और टेम्पररी स्टे वीजा एप्लीकेशन है वो लेने के लिए लोग ओपन हो जाएंगे मंडे से, और एवरी मंडे ओपन है और 10 बजे से 2 बजे तक। और इसमें इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपको मस्ट प्रेजेंट बिफोर बोर्डिंग प्रूफ ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ SARS इन्फेक्शन विथ नेगेटिव रिजल्ट। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं कि अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तब की है ये सारी चीजें। तो इसमें ये जो भी चीजें हैं वो एप्लीकेबल हैं, और इन्होंने रिफंड पॉलिसी के बारे में भी कुछ बताया है कि एप्लीकेशन फीस कवर प्रोवाइडेड बाय VFS डज नॉट अप्लाई वीजा फीस वीजा ऑल रिफंड गिवन बाय लॉस लोकल कंट्री द वीजा लीगलाइजेशन फी विल बी सब्जेक्ट टू रिफंड। ओके, रिफंड के बारे में इन्होंने डिटेल्स में अपडेट किया है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी पोर्चुगल के लिए, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको अपडेट बताई ये सारी कंट्रीज के लिए थी।